पहुंच चुके हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, और ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से दिखा रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पहुंच चुके हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, और उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड कर चुका है। ये उतरे दोस्तों, आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, अखिलेश यादव जी उतर चुके हैं हेलीकॉप्टर से, और ये देख पा रहे हैं आप लोग बाग उनसे मिलने लगे हैं। लोग बाग उनके जो समर्थक है, पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो उनसे मिलने लगे हैं। ये आप देख पा रहे हैं, इन नौजवान साथियों ने अपने सीने में अखिलेश यादव का टैटू बुधवार के, ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, ये इधर देखिए, ये कितने उम्र है बच्चों की, इन्होंने टैटू बुधवार रखा है अपने सीने में। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बता दें कि आज फूलपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी के समर्थन में आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, और अपने समर्थकों के ऊपर से हाथों से इशारा करते हुए बाय बाय करते नजर आ रहे हैं। और ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ से प्रस्थान हुआ जी को, और किसान जनसभा को संबोधित करे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश यादव जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगमन होने जा रहा है, अभी लगातार तस्वीरों में आप लोग यूं ही बने रहिए, जैसे वो आते हैं तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आगमन को लेकर चुनावी सभा के मुख्य अतिथि, पहले यहाँ पर आप देख पाएंगे ये इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरह से उत्साह देखा जा रहा है, इधर आप देख पाएंगे मंत्री उत्तर भाभी मां कौन है, भाभी आदरणीय अखिलेश मां से बढ़ के मानता हूं, भाभी मां मैनपुरी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सबके लिए खड़ी होती है, इसलिए मैंने उनका टैटू बनवाया, अभिनंदन करता हूं। सिंपल भाभी का जी जी साथियों, इतना प्यार करते हैं जी जी, बहुत मां मां से बढ़ के मानते हैं हम सबके भविष्य का, सब आप तस्वीरों में देख पाएंगे, ये देख पाएंगे इधर सिंपल यादव जी की तस्वीर इन्होंने जो है बनाई है, में सरकार बनाने का चुनाव है, इधर देख पाएंगे हाथों में अखिलेश आदिवासी अल्पसंख्यक समाज के लोगों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, सीने में अखिलेश यादव की तस्वीर लोगों ने उठे रखी, प्रदेश में इन नौजवान साथियों ने अपने सीने में अखिलेश यादव का टैटू बुधवार के, ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, ये इधर देखिए, ये कितने उम्र है बच्चों की, इन्होंने टैटू बुधवार रखा है अपने सीने में, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए आज प्रयागराज में अखिलेश यादव की एंट्री हुई है, प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा सीट में अपने प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी को जिताने के लिए जनसभा को संबोधित करने के लिए यादव का आगमन हुआ, यहाँ पर आप देख पाएंगे इनके सीने में जो टैटू है, और इधर देख पाएंगे ये नौजवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, हम अम्बेडकर है हम हर नौजवान बनेगा, इधर देखिए हर एक नौजवान अम्बेडकर बनना चाहेगा, अखिलेश यादव बनना चाहेगा, देख पाएंगे लोगों में उत्साह कुछ इस कदर है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बहुत जल्दी यहाँ पर आगमन हो रहा है, और उनके आगमन को पहले आप देख पाएंगे किस तरह से लोगों में काफी उत्साह है, और किस तरह से यहाँ पर धीरे धीरे करके भीड़ बढ़ती जा रही है, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से दिखा रहे हैं। बता दें कि 700 से वहाँ 2.5 किलोमीटर की दूरी पर बंदरिया बाग है, बंदरिया बाग में आज समाजवादी पार्टी के जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपस्थिति हो रही है, देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आ रहा है अखिलेश यादव जी का हेलीकॉप्टर, यहाँ पर लैंड करने वाला है, ये आप सामने तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पहुंच चुके हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, और ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से दिखा रहे हैं, और आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पहुंच चुके हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, और उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड कर चुका है, ये आप देख पा रहे हैं, लगातार खबरों में हुई आप लोग बन रही है, प्रत्येक तस्वीरों से आप लोगों को यही रूबर करवाते रहेंगे। फिलहाल अभी बता दें कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की एंट्री यहां पर हो चुकी है, उनका हेलीकॉप्टर यहां पर लैंड कर चुका है, और बहुत जल्द वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने वाले हैं, देख पा रहे दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगमन हो चुका है, यहाँ पर उनका जो उड़न कटोला है वो यहाँ पर पहुंच चुका है, और दोस्तों बता दें कि सुरक्षा की जहां पर बात की जाए, चप्पे चप्पे पर प्रशासनिक दस्ता मौजूद है जो लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है,
और बहुत जल्द हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने वाले हैं अखिलेश यादव। लगातार तस्वीरों में यूं ही बन रही है आप लोग। ये उतरे दोस्तों, आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, अखिलेश यादव जी उतर चुके हैं हेलीकॉप्टर से और ये देख पा रहे हैं आप, लोग बाग उनसे मिलने लगे हैं। लोग बाग उनके जो समर्थक है, पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो उनसे मिलने लगे हैं। ये आप देख पा रहे हैं अखिलेश यादव जी पहुंच चुके हैं और अभी वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे हैं। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, और अभी अपने कार्यकर्ताओं से मिलते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। आप सामने तस्वीरों में देख पा रहे हैं पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं गुलदस्ता देकर उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं और धीरे धीरे करके वो बढ़ते हुए अपने समर्थकों से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने का काम कर रहे हैं। लगातार तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पहुंचे हैं प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा सीट में अपने प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी के समर्थन में। बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं मुस्तफा सिद्दीकी फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी को जिताने के लिए जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे काफिला उनका धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ता हुआ। लोगों में काफी उत्साह, काफी जोश देखा जा रहा है। और अभी धीरे धीरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंच की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बीच में उनके जो कार्यकर्ता, उनके जो चाहने वाले हैं, पार्टी के जो पदाधिकारी गण समर्थक, वो मिल रहे हैं और ये पहुंच रहे हैं। और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंच पर पहुंच चुके हैं। आप सामने तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये पूर्व राज्यसभा सांसद दिसंबर कुमार निषाद जी और तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी गण हैं उनसे मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। सामने तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगमन हुआ है यहाँ पर और उनके आते ही इधर कार्यकर्ताओं का आनंद का दोस्तों आप देख पा रहे हैं। इधर कार्यकर्ता में काफी उत्साह देखा जा रहा है यहाँ पर। हम आपको ये बहुत सारे मौजूद हैं जो अखिलेश यादव का और बाबा साहब की सीने में बनवाए हुए हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये है अखिलेश यादव के दीवानों की तस्वीर है। लगातार हम आपको प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा सीट से बंदरिया बाग से दिखा रहे हैं, जहां पर आज अपने प्रकाशित मुस्तफा सिद्दीकी के समर्थन में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगमन हुआ है। यहां पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उत्साह देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और चुनाव के प्रभारी पूर्व मंत्री इंद्री सरोज जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष अनिल यादव जी, हमारे आपके समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी
हाजी मुसवाद खान साहब मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी से विधायक जिजमा यादव जी, एमएलसी मानसिंह जी, संदीप पटेल, गीता पासी जी, हाकिमलाल बेंशी, अंसार अहमद साहब, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष कुंदारी यादव, इंडिया गठबंधन कांग्रेस से सांसद उज्ज्वल रमन सिंह जी, योगेश यादव जी, पप्पू निषाद, इफ्तार हुसैन साहब, आर के वर्मा जी विधायक, अखिलेश आजमगढ़ से विधायक, हमारे विधान परिषद में नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव जी और मंच पर उपस्थित बहुत ही पुराने समाजवादी नेता शेखर बहुगुणा जी और बड़ी संख्या में जो नेता हमारे बैठे मंच पर कांग्रेस पार्टी के समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता संगठन के सभी पदाधिकारी सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता पूर्व विधायक पूर्व सांसद सभी हमारे उपस्थित नेता जो मंच पर हैं, मैं चुनावी जनसभा में देख रहा हूँ बहुत जिम्मेदार हमारे आदरणीय बुजुर्ग बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी माताएं बहनें और पत्रकार बंधु मिले दिखाई दे रहे हैं। मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जिस समय हम और आप लोग इस मैदान में एक दूसरे के सामने हैं, वहीं प्रयागराज में बड़ी संख्या में नौजवान आंदोलन कर रहे हैं और वो आंदोलन जो चला रहे हैं वो सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो नौजवान हैं जो कल अधिकारी बनेंगे। आज उस सरकार ने उन लोगों को भी आंदोलन में झोंक दिया है। वहीं मैं तमाम युवा युवतियों को बधाई देना चाहता हूं कि अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए वो पीछे नहीं हटे। सरकार तमाम तरीके अपना रही है लेकिन उसके बावजूद भी नौजवान आज धरने पर बैठ करके अपनी मांग को लेकर के सरकार को जगाना चाहते हैं, सरकार के सामने रखना चाहते हैं। ये कोई मामूली घटना नहीं है जहां पर पढ़े लिखे नौजवान आंदोलन पर बैठ गए हैं। वैसे तो मेरी इच्छा ये भी थी कि मैं सबसे पहले उनके आंदोलन में शामिल होता जाकर के उनके बीच बैठता जाकर के, लेकिन मैं ये बात जानता हूं बहुत सारे लोग छात्रों का नौजवानों का आंदोलन को ये भी कह देते कि राजनीति से प्रेरित है इसलिए उस आंदोलन में नहीं गया, लेकिन मैं मंच के माध्यम से उनको बधाई भी देना चाहता हूं और उनका समर्थन भी करना चाहता हूं कि उनकी मांग जाय करें। और जिस समय उन्हें पता लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन में मैं भी शामिल हो जाऊं जाकर के, उन्हें खबर सुनते ही छात्रों को हटाना शुरू कर दिया। कई छात्रों को हटाने में कामयाब भी हो गए। जो हमारी बेटियां बहने बैठी थी उनको बिना महिला पुलिस के लोग उठाने लगे जाकर के, और जो नौजवान थे वो सारी वर्तन में पहुंच करके उठाने लगे। इस कायराना व्यवहार के लिए मैं सरकार की निंदा करता हूं। इस लोकतंत्र में इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और कोई नहीं हो सकती जो प्रयागराज में इलाहाबाद में इन्होंने छात्रों के साथ किया है और जो नौजवान धरने पर बैठे अपनी मांग को लेकर।
ये वही सरकार के लोग हैं जो लोग ये कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन। ये सरकार वो है जो कहती है वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन सोचिए उत्तर प्रदेश में एक चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। चुनाव तो छोड़िए, जो हमारे छात्र नौजवान हैं उनकी परीक्षा भी नहीं करवा पा रहे हैं। जो लोग कहते हैं एक इलेक्शन पूरे देश में एक साथ हो जाए, वो हमारे नौजवानों की परीक्षा भी नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी में और इस सरकार के एजेंडे में न नौकरी है, ना सौहार्द है, ना भाईचारा है। इनका कार्यकाल देख लीजिए, इनके एजेंडे में नौकरी नहीं है, इनके एजेंडे में सौहार्द नहीं है। और अभी तक तो न जाने कितने हम लोगों ने घटनाएं देखी होंगी जहां पर इन्होंने युवाओं के भविष्य का धोखा करने का काम किया है। जिस समय लोकसभा का चुनाव था आपको याद होगा, हम लोग ये बात जगह जगह कहते थे कि ये सरकार वो है जो पेपर लीक जानबूझ करके कराती है। और पेपर लीक इससे सरकार कराती थी क्योंकि नौकरी इनके एजेंडे में नहीं थी। और उसी का परिणाम यह है कि इन्होंने नौजवानों को नौकरी नहीं दी, उनका भविष्य अंधकार में धकेलने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बन गया है कि अगर पेपर लीक होगा तो उसमें भाजपा के लोग शामिल हैं। पेपर लीक में भाजपा के लोग शामिल हैं, परीक्षा प्रणाली में हेरा फेरी करने वाले में भी भाजपा के लोग शामिल हैं, परीक्षा की तारीख भी टालने वालों में भाजपा ही के लोग शामिल हैं। और सबसे ज्यादा परीक्षा रद्द हो जाए उसमें भी भाजपा ही लोग शामिल हैं। आरक्षण मानने वाले भी भाजपा ही हैं और रिजल्ट लटकाने वाले भी भाजपा ही के लोग हैं। और अगर रिजल्ट बन भी जाए आ भी जाए तो कोर्ट में भी लटकाने वाले अगर कोई है तो वो भाजपा वाले हैं। नौजवानों के भविष्य के साथ बड़े पैमाने पर खिलवाड़ कर रहे हैं। और इधर तो जब से समाजवादियों ने पीडीए का नारा दिया है, इन्हें डीएपी भी पीडीए ही नजर आने लगा है। ये जब दूर से देखते हैं डीएपी उसे में भी पीडीए दिखाई दे रहा है इनको। ये अक्षरों से खिलवाड़ कर रहे हैं, अक्षरों से दुश्मनी रखते हैं, इसलिए पीडीए के साथ तो कर ही रहे हैं धोखा। वही डीएपी भी कहीं किसानों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। अभी तक तो ये बोरी की चोरी करते थे, अब तो डीएपी की पूरी बोरी चोरी कर लिए हैं। जो हमारा किसान इस सरकार में उम्मीद करता था कि उसकी पैदावार बढ़ जाएगी, आय बढ़ जाएगी, लेकिन इस सरकार ने उनकी आय और पैदावार के साथ भी सरकार की योजनाएं नहीं जोड़ी, किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने नारा दिया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन जब आंकड़े भी आए हैं तो अभी तक के इतिहास की सबसे महंगी दर अगर कहीं महंगाई में देखने को मिल रही तो इनकी सरकार में दिख रही।
हमारे किसानों के साथ भी धोखा हो गया। और फिर ये सरकार कौन सा नारा दे रही है, ये सरकार नारा कौन सा दे रही है, जब ये सरकार के हाथ में कुछ नहीं बचा, जब सरकार को पता लग गया चुनाव हारने जा रहे हैं, तो ये चुनाव की तारीख भी टाल रहे हैं। पहले ये चुनाव 13 तारीख को हो रहा था, 13 तारीख को चुनाव होने जा रहा था, और जिस समय त्योहार पर लोग छुट्टी के बहाने घर आए थे त्योहार मनाने, जब त्योहार मनाने दूर दूर से चले आए लोग, उन्होंने अपनी छुट्टियां बढ़ा ली ये देखते हुए कि 13 तारीख को वोट डाल करके जाएंगे। जब ये भनक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता लगी तो उन्होंने चुनाव भी टाल दिए। जो चुनाव टालने वाले हैं वो बहुत बुरे हारने जा रहे हैं। पहले चुनाव उन्होंने अयोध्या का टाला, याद होगा आपको चुनाव अयोध्या का टाला। मुख्यमंत्री जी एक बार गए, दो बार गए, तीन बार गए, और जब उन्होंने अपना इंटरनल सर्वे करवाया तो उनको जानकारी हो गई कि इंटरनल सर्वे में वो जीत नहीं रहे हैं। उन्होंने चुनाव वहां का भी टाल दिया। ये जितना चुनाव टालेंगे उतना ही बुरा इस बार बाई इलेक्शन में हारने जा रहे हैं। और यहाँ के लोग तो मन बनाए बैठे हैं, अभी जो लोकसभा चुनाव में बेईमानी हुई है, ये चुनाव जीता जिताया आपके हाथ से छीन लिया। फूलपुर का चुनाव लोकसभा का पूरे के पूरे लोग देश के जानवे से जीत गए, क्योंकि जिस समय वो कार्यक्रम था इंडिया गठबंधन का, जन समर्थन और जन सैलाब इतना दिखाई दिया कि विरोधियों के होश उड़ गए। जो लोग वोट से नहीं जीत सकते थे उन्होंने अधिकारियों को आगे कर करके चुनाव को जीतने का काम किया। आप हारे नहीं हैं, केवल आपको प्रमाण नहीं दिया अधिकारियों ने। और जिन्हें 22 का चुनाव याद होगा, 22 का चुनाव भी हमारे आपके प्रत्याशी लगभग जीत गए थे। जिन्होंने बैलेट वाले वोट देखे होंगे वो जानते होंगे कि बैलेट में बीजेपी से दुगने वोटों से जीते थे। जब इन्हें लगा कि ये चुनाव हाथ से निकल गया तो बेईमानी कर करके इनको हरा दिया। याद है कि नहीं याद है, मामूली वोटों से हारे, लेकिन इस बार तो लग रहा है कि यहां पर रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इस बार पहले से ही बीजेपी को पता लग गया कि यहां से रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। और मुझे तो ये लगता है कि पहली बार ऐसा समर्थन हर वर्ग से मिल रहा होगा, इतना समर्थन, इतना साथ और इतने समीकरण के साथ कभी चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं बना। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि मुस्तफा सिद्दीकी साहब अभी तक की सबसे बड़ी जीत जीतने जा रहे हैं। और इसीलिए जो हमारे लखनऊ वाले हैं उनकी भाषा बदली बदली नजर आ रही है, उनका पीडीए का जो फुल फॉर्म है, जो पीडीए का फुल फॉर्म है वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। पीडीए में ये एच कहां से आ गया हमें नहीं पता। और जो पीडीए का फुल फॉर्म बता रहे हैं कम से कम डीएपी के फुल फॉर्म बता के चले जाते हैं। ये जो पीडीए को बुरा भला
नकारात्मक लोग हैं, वो निगेटिव लोग हैं, उनके एनडीए की शुरुआत भी एन से निगेटिव से होती है, वो नकारात्मक लोग हैं। और जिन्होंने कल अखबार पढ़ा होगा अंग्रेजी का, जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा, तो एक कोने में जाकर के एक बहुत बड़ी रिसर्च के बारे में लिखा है, और वो रिसर्च ये कहती है अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी जो बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, उसकी रिसर्च ये कहती है जो नकारात्मक लोग होते हैं कितनी टाइम चलाओगे वो बूढ़े भी जल्दी हो जाते हैं और बुढ़ापा भी जल्दी आ जाता है और दुखी भी वही लोग रहते हैं और भूलने की भी बीमारी उन्हें हो जाती है। इसलिए हमारी सलाह उन लोगों से कम अपनी नकारात्मक सोच को बदलें। अगर वो स्वस्थ रहना चाहते हैं तो नकारात्मक सोच से दूर हो जाएं। और जो हमें और आपको माफिया कहते हैं, गुंडा कहते हैं, बदमाश कहते हैं, मुझे तो लगता है कि जब वो घर से निकलते होंगे तो कभी आईना नहीं देखते होंगे। तो ये सामने आप देख पा रहे हैं दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जनसभा को संबोधित करने के बाद अब प्रस्थान कर रहे हैं लखनऊ के लिए और वो अपने हेलीकॉप्टर के नज़दीक पहुंच रहे हैं। आप देख पा रहे हैं जाते वक्त वो अपने कुछ कार्यकर्ताओं से पदाधिकारियों से मुलाकात करते हुए यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये सामने की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अभी तुरंत ही जनसभा को संबोधित करने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। प्रस्थान करने से पहले वो अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी गणों से जो है मुलाकात करते नजर आ रहे हैं, सामने आप देख पाएंगे इधर, और बहुत जल्द वो यहां से प्रस्थान करने वाले हैं। सामने उनका उड़न खटोला है, तस्वीरों में आप देख पाएंगे, और बहुत जल्द अभी इसी पर सवार होंगे और यहाँ से प्रस्थान करेंगे सपा के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। लगातार तस्वीरें हम आपको प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा सीट से दिखा रहे हैं, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी के समर्थन में सपा प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगमन हुआ था जनसभा को संबोधित करने के बाद। अभी वो अपने उड़न खटोला पर सवार होने वाले, सामने आप देख पाएंगे उनका जो हेलीकॉप्टर है वो पूरी तरह से तैयार है और अभी वो यहां से प्रस्थान करने वाले। उनके कार्यकर्ताओं में, उनके समर्थकों में काफी जोश और उत्साह देखा जा रहा है, और वहीं पर अगर प्रशासन की व्यवस्था देखी जाए तो चप्पे चप्पे पर प्रशासनिक दस्ता मौजूद है जो निरंतर लगातार अपनी सेवाएं देता नजर आ रहा है, यानी कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को उनके हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, ये सीधी तस्वीरें हम आपको प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट से दिखाने का काम कर रहे हैं। और अभी आप देख पाएंगे दोस्तों, उड़न खटोले पर सवार हो चुके हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बहुत जल्द अब उनका जो हेलीकॉप्टर है वो यहां से उड़ने वाला है। तस्वीरों में लगातार आप बने रहिए, और वहीं पर बता दें कि उनके चाहने वालों का, उनके समर्थकों का काफी यहां पर हुजूम देखा जा रहा है, काफी उत्साह देखा जा रहा है। आपका है का ठेला था, आपका ठेला था गायन यार, उड़ान भरने लगा है और अभी स्टार्ट हुआ हेलीकॉप्टर, बहुत जल्द और अभी उनका हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत जल्द टेक ऑफ करने वाले यहाँ से, ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों। बता दें कि आज फूलपुर विधानसभा में
समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी के समर्थन में आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और अपने समर्थकों के ऊपर से हाथों से इशारा करते हुए बाय बाय करते नजर आ रहे हैं। और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ से प्रस्थान हुआ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी का जा चुका है उनका हेलीकॉप्टर, ये आप देख पा रहे हैं।